अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुमको शऊर नहीं। इसलिए सलाहुद्दीन एक ऐसी जिंदगी में दाखिल हो गया है जो शहीदों को अता होती है, लेकिन हमें उसका शऊर नहीं। सलाहुद्दीन अस्कलान यरूशलम जुल्म और जबर के मारे हुओं के लिए और सलीबी फितनों के सताए हुए मुसलमानों के लिए शहीद हुआ है, और वो सिर्फ हमारा ही शहीद नहीं, तमाम आलम इस्लाम का शहीद है। अब हमको ये करना है कि उसी फतो जफर के रास्ते पर चले जिस पर चलकर वो शहीद हो गया, अस्कलान में, यरूशलम में, और हर उस दयार में जो हमारा हदफ है। हमें अपनी फतह का झंडा गाड़ देना है, और वो जिन्होंने उसकी जान ली हम उन लोगों से पूरा इंतकाम लेंगे।